He was in coma. He was at the Max Hospital. कितने time पे तू coma में था? दादा साढ़े तीन महीने. मॉर्निंग गाइस, आज मैं हूँ लोधी गार्डन में सुबह सुबह और एक शूट था वो कंप्लीट किया. बस अभी चल रहा हूँ वापस. भूख लगी है, कुछ खाऊंगा बिकॉज आई बिन हंग्री. आई बिन आउट सिंस अर्ली मॉर्निंग और रात से कुछ खाया नहीं है. जैसे दिखाया लोधी गार्डन सुबह सुबह बहुत खूबसूरत होता है और अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं और दिन की बाकी की जो काम है बाकी के वो निपटाते हैं. शूट्स चलते हैं लोधी गार्डन में, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, हर तरह के शूट्स. तो इसीलिए मेरे को ये वाला जो गार्डन है वो बहुत पसंद है बिकॉज एक लोकेशन में आपको बहुत सारे लोकेशंस मिल जाती हैं और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लोकेशंस इन द एंटायर सिटी. अगर आप मेरे पोर्टफोलियो देखेंगे वेडिंग का, प्री वेडिंग का या जनरली पोर्ट्रेट्स का, तो आपको लोधी गार्डन के जितने शॉट्स मिलेंगे शायद ही कहीं के मिले. अभी काफ़ी टाइम हो गया है वैसे, सुबह सुबह आया था तो अभी चलूँगा, कुछ खाऊँगा लाइक आई सेड बिकॉज आई एम रियली हंग्री. रात से कुछ खाया नहीं है. ओह इट्स अ नाइस पार्क. अगर आप लोग दिल्ली में हैं और वीकेंड पे चाहते हैं थोड़ा सा यू नो रिलैक्स करना थोड़ा नेचर के बीच में, तो आप लोधी गार्डन ज़रूर आइएगा. यू नो पीपल ऑलवेज आस्क मी कि मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ गाड़ी लेके और क्या मुझे मज़ा आता है, यू नो अच्छी खासी नींद छोड़ के एंड ऑल दैट. दिस इज वाई यू नो आई लाइक दिल्ली. दिस इज वाई आई लव बींग हियर. नो मैटर हाउ द सिटी इज, नो मैटर हाउ द सिटी इज फॉर अदर पीपल, यू नो आई हैव ऑलवेज बीन इन लव विद दिल्ली फॉर मेजरली दिस रीजन. खाली रोड्स है यार, आई मीन अमेजिंग. जस्ट चिल एंड कीप ड्राइविंग. आज सीसीडी जा रहा हूँ बिकॉज मेरे घर के रास्ते में पड़ता है वो ऑफकोर्स, और कॉफ़ी पीने का भी बहुत मन है. और तो आज सीसीडी की जो क्वालिटी है ना वो कुछ दिनों में बहुत ही घट गई है, बट स्टिल आई एम हंग्री एंड ऑल दैट. तो मुझे लगा कि मैं आज सीसीडी जाता हूँ. वहाँ पे शूट करना इज़ अ पेन एज एन यू नो, वो लोग मना करते हैं बिकॉज डिफेंस एरिया में है, तो शायद मैं आपको दिखा ना पाऊँ कुछ खास. वैसे मैं कॉफ़ी और एक सैंडविच शायद खाऊँगा, पीऊँगा दैन कॉफ़ी और सैंडविच खाऊँगा. तो उसके बाद अभी कमल से बात हुई है. कमल मेरा एक बहुत ही पुराना फ्रेंड है, शायद ही वो व्लॉग में कभी आया होगा. एक बहुत पुराना मेरा वीडियो है जो कि मैंने कानपुर में एक वेडिंग शूट करी थी, उसमें कमल मेरे साथ गया था. तो वो वीडियो अगर मेरे चैनल में शायद है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं जस्ट इन केस यू वांट टू नो हु कमल इज़. तो फिलहाल चलता हूँ मैं ताज सीसरी और आपको मिलता हूँ यहाँ से निकलने के बाद. छोटी सी एक और चीज़ जो मेरे साथ हो गई है वो ये, गाड़ी का जो वाइपर है वो टूट गया है. तो आई थिंक जो साफ करने आता है गाड़ी ना उसी ने किया होगा बिकॉज दिस इज हैपेंड फॉर द सेकेंड टाइम यार. मतलब हर बार 400 रुपए खर्च करो एंड देन यू नो दिस पिन, यहाँ पे एक पिन होता है, वो जो पिन है वो टूट गया है. तो आई हैव टू एक्चुअली रिप्लेस इट अगेन. तो ये थोड़ा सा एक यू नो हेडेक रहता है अगर आप गाड़ी ओन करते हो और कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे कि गाड़ी जो साफ करने वाला है उसने तोड़ दिया. बताओ यार, आई मीन आई नीड अ कॉफी. हाय कमल. हेलो. सो कमल बहुत टाइम बाद आज मिला है और तू एक वीडियो में है मेरी यूट्यूब में, पता है कहाँ पे? कौन सी दादा? एक हम लोग गए थे शादी कवर करने कानपुर, गए थे कहाँ गए थे? कानपुर भी गए, रिमेम्बर? वहाँ पे तू है उस वाले वीडियो में. अब तू चाय कहाँ से? ओह वाह, दिस इज अ नाइस प्लेस दो फॉर पिक्चर्स. सो कमल इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. चीयर्स टू चाय. चीयर्स टू कमल. We are in Khan Market. This used to be his employment area. He used to work for a restaurant here. Tea hanging joint. And यहाँ पे चाय पिला रहा है, मेरे को चाय पिला रहा है. बताओ, कॉफी पीने वाले इंसान को चाय पिला रहा है, पाप लगेगा पाप. जा बैठ गाड़ी में. देखो मुझे परचर, मुझे शटर और मुझे ISO, ये सब तो पता. इसको फोटोग्राफी का सब कुछ पता है, फिर भी मुझसे कह रहा है कि फोटोग्राफी सिखाओ. क्या नहीं पता तुझे?
अरे दादा मैंने वीडियोग्राफी नहीं की है, मेरे को वीडियोग्राफी अब इसको मूवीज बनाना सिखाता हूं मैं। कैसे किस तरह की मूवीज चाहिए तेरे को? हर तरह की, मतलब इन द सेंस कि हम टूर कर रहे हो या एक क्वेश्चन बता, मियां खलीफा कैसी लगती है? ये YouTube पे डालना। हां गाइज, मैंने कमल के बारे में आपको डिटेल में बताया नहीं बिकॉज टाइम नहीं मिला। अभी हम लोग ढाबा गए थे, ढाबा से बस घर की तरफ आ रहे हैं, रात के 8:30 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारी दोपहर सारी शाम हम लोग साथ में थे। तो कमल के बारे में छोटी सी एक चीज़ है कि इसका बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था 2013 में। सो व्हाट हैपेंड वाज ही वाज बैंग्ड बाय अ नील गाय, 60-70 में था एंड ही वाज बैंग्ड रियली बैड। इसको कुछ याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ। ही वाज इन कोमा, ही वाज एट द मैक्स हॉस्पिटल। कितने टाइम तक तू कोमा में था? 3.5 महीने। 3.5 महीने ये कोमा में था एंड नोबडी न्यू ये जिंदा भी रहेगा कि नहीं, बट द फाइटर दैट ही इज ही केम बैक एंड हियर ही इज विद मी राइट नाउ एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 12 इयर्स ऑफ आवर लाइव्स। तो जब भी मैं मिलता हूँ, बहुत कम मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ यू नो अदर कमिटमेंट्स, पर जब भी हम लोग मिलते हैं वी मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड टाइम और आई एम हैप्पी दैट ही इज हियर विद मी राइट नाउ और हम लोग साथ में जब भी गुजार पाते हैं वक्त वी आर मोस्टली टुगेदर। ही लव्स कॉफ़ी और कॉफ़ी तो छोड़ो यार, मतलब ही इज़ अ गुड शेफ, इज़ ए होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा है और काफ़ी होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में इसने काम भी किया है। तो दैट इज़ अ ब्रीफ अबाउट कमल जो कि मेरे ब्लॉग में आया तो है बहुत पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले एक ब्लॉग में आया होगा, मैं लिंक दे दूंगा उसका। बट दिस इज़ वॉट कमल इज़ एंड दैट इज़ हाउ आई नो हिम थ्रू मोटरसाइकिलिंग थ्रू दैट सेम वेबसाइट कॉल्ड XBHP जहाँ से हम लोगों ने विक्रम से भी मिले हैं और जहाँ से मैं कमल से भी मिला और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिला हूँ। हेलो गाइस, आई एंड द व्लॉग हियर, ताज सीसीडी पहुंच गया हूं। भाई साहब की बाइक यहां पे खड़ी है। कमल दोबारा कब मिलेंगे? व्हेनेवर यू से। आहा, व्हेनेवर से अंग्रेजी जवाब बोलो। चल कमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, फिर से मिलेंगे। और गाइस, आई एंड द व्लॉग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अराउंड। और कमल से मिलवा के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जब मैं इससे मिलता हूं बहुत अच्छा लगता है। तो अभी काफी कुछ आगे के ट्रैवल प्लान्स है वो ही हम लोग कर रहे थे बैठ के। चलो गाइस, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट गाइस।